हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों को मेरा किचन में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसमें अचार खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और नींबू की अचार रोटी के साथ खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ नींबू की अचार शेयर कर रही हूँ। इतना इजी तरीका से मैं रेडी करूँगी, इसलिए आप लोग मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। देखिए, ये मैं एक ही नींबू यहाँ पे रखा है, ये थोड़ा बड़ा है और इसका कलर जो पीला हो गया, ये थोड़ा थोड़ा पक गया है, ग्रीन नहीं है ये, इससे अच्छा होता है। और इसका जो कवर्ड है ये सिर्फ ऐसे ही, इसका जो व्हाइट कलर निकलता है वो तो मीठा लगता है। और छोटा छोटा नींबू से भी होता है जिसका नाम है कागजी, ऐसे नींबू से भी अचार बनता है, लेकिन मैं आज ये एक ही नींबू से अचार रेडी करूँगी। ये बहुत ही अच्छा होता है, खट्टा मीठा होता है। तो इसमें क्या सामग्री चाहिए, यहाँ पे मैंने रखा है ये खट्टा धनिया, लाल मिर्ची और ये धनिया पाउडर, ये काले नमक, और यहाँ पे मैंने गुड़ का घोल रेडी करके रखा है, और थोड़ा सा मैं विनीगर में यूज़ करूँगी, और ये नमक। फर्स्ट मैं क्या करती हूँ देखिए दोस्तों, मैं पहले इसका ऐसे दोनों तरफ में काट कर देती हूँ ऐसे। इसका कवर जो है ये थोड़ा हेवी होता है, लेकिन ऐसे सॉफ्ट और हल्का कवर वाला नींबू से बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन इसको मैं पहले छील करके इसका जो व्हाइट कलर है ये मैं निकाल लूँगी, इसलिए इसको अच्छी तरह काटना पड़ेगा। ऐसे आप पीस कर दीजिए ऐसे। देखिए, इसका जो कवर है ये थोड़ा सा हेवी है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं रेडी करती हूँ, आप देखिए ध्यान से। तो कैसे मैं काट करती हूँ आप देखिए, पहले मैं इसको क्या करती हूँ ऐसे करती हूँ। ऐसा पीस करने के बाद मैं इसका जो ग्रीन कलर का और पीला कलर का कवर है इसको मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा फेंक दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एकदम थिन हो जाएगी और अचार अच्छी बनेगी। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे छोटा छोटा पीस करके यहाँ पे रखा है, जैसे मैंने काटा थोड़ा, देखिए यहाँ पे पीला कलर का कवर मैंने फेंक दिया, व्हाइट निकल गया। लेकिन ये जो व्हाइट कलर ये खाली मुंह में ऐसे खाली खाली खाने से बहुत ही टेस्टी होता है, ये मीठा होता है और ये जो ये खट्टा होता है। तो क्या है, अभी मैं रेडी करूँगी, पहले मैं इसको अच्छी तरह पानी में इसको वॉश किया। अभी मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी रखा है, इस पर इसको भिगो के थोड़ा सा ज़्यादा नमक, फुल एक स्पून और दो स्पून नमक मैंने यहाँ पे डाला, 3 स्पून नमक मैंने डाला। इसको कम से कम 1 घंटा आप ऐसे इसको भिगो के रखना, और इस पर आप थोड़ा सा विनीगर यूज़ करना, आपको पता ही है विनीगर देने से क्या होता है, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको ढक्कन के साथ 1 घंटा रख दूंगी। अभी देखिए दोस्तों, पूरा 1 घंटा हो गया, अभी मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ और इसको ऐसा छाछनी में पूरा पानी इसको निकाल लेती हूँ। ये एकदम सॉफ्ट हो गया ऐसे, देखिए ये एकदम सॉफ्ट हो गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस पर मैं और नमक मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये पहले से ही नमक वाला पानी में भिगो के रखा है। थोड़ा सा काले नमक मैं यूज़ करूँगी, 1/2 स्पून। अभी मैं फ्राइंग पैन पे रेडी करती हूँ। अभी देखिए, मैंने एकदम 1/2 स्पून ऑयल यहाँ पे डाला है, रिफाइंड ऑयल। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो खट्टे धनिया है इसको मैं यहाँ पे दे रही हूँ, फिर मैं ये नींबू छोड़ रही हूँ, साथ ही साथ में ये काले नमक दे रही हूँ, अभी मैं धनिया पाउडर दे रही हूँ,
और लाल मिर्ची दे रही हूँ। और कुछ मसाला नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये पहले ही सॉफ्ट हो गया, तो मैं ये जो गुड़ का घोल रेडी करके रखा है ये छोड़ रही हूँ। इतना जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों आप ज़रूर ये रेडी करना और इसका मज़ा लेना। अभी देखिए थोड़ा सा इसको गुड़ के साथ एडजस्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये बराबर बन गया और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। देखिए दोस्तों ये बन गया, अभी इसका टेस्ट बराबर आ गया। ये बहुत ही टेस्टी होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ज़रूर रोटी के साथ इसका टेस्ट लेना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो दोस्तों ये खाने से हम लोगों का हेल्थ में भी बहुत अच्छा होता है, हम लोगों का पेट में जितना प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। और क्या होता है, हम लोगों का वेट कमाने में भी ये नींबू अच्छा काम करता है। तो दोस्तों आप ज़रूर इसका मज़ा लेना। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।